शॉर्ट हैंड की क्लास में आप सभी को ता का आंकड़ा का प्रयोग बताया जाएगा। पहले आप ता ऐसे और इस तरह से बनाते हैं। अब ता किसी भी अक्षर में अंत में बाएं से दाएं लगाया जाता, जैसे कत, टत, चत, रत, हत, यत, वत, इस तरह से आप ता का आंकड़ा सीधे बनने वाली स्ट्रोक्स में लगाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में लगाएंगे। जब घुमावदार या कर्व स्ट्रोक्स आए तो उसमें आंकड़ा अंदर की तरफ लगा के डैश निकाल देते हैं। सत, तत, मत, नत, ऐसे अंत में स्ट्रोक्स लगाने के बाद डैश निकाल देते हैं। जैसे अढ़त लिखना है, रा को कट करके अढ़ा बनाते थे और उसमें ऐसे निकाल देते, तो ये क्या हो गया, अढ़त हो जाएगा ये चीज। अच्छा, क्रिया में कर्ता के साथ हिसाब से ता ती ते अपने आप लग जाता है, जैसे मैं जाता हूं, ब्राह्म, यह हो गया मैं जाता हूं। सीता जाती है, वे जाते हैं। अब तीनों में वाक्यों में ता, इसकी स्थिति वही है, इसकी वही है, इसकी वही है, एक से है, कोई अंतर नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन यहां मैं के साथ में है तो ता है हो गया, सीता के साथ में ती है हो गया, और वे के साथ में ते है हो गया बहुवचन के साथ। जैसे लड़के जाते हैं, ये इस तरह से जिस तरह का कर्ता होगा उसी तरह आप ता ती ते क्रिया में पढ़ोगे आंकड़ा के साथ में। अब पोत गा में लगा देंगे तो गोत, मां के साथ लगा दिया तो मात,
सा मिला देंगे तो ये इस तरह मात्रा सात अब पूत लिखना इस तरह लिख सकते हैं, बट अगर यही पूता लिखना है तो दोनों में मात्रा लगेगी, फिर ता में आ रहा है तो आंकड़ा नहीं काम आएगा, तब फिर पूरा बनाना पड़ेगा। जैसे माता, तो माँ बनाया ता बनाया, अब दोनों में मात्रा आया है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। मात होता तो आप ता का आंकड़ा इस तरह से बना सकते थे, माँ में आंकड़ा मात्रा लगा के और ता का आंकड़ा लगा देते तो मात हो जाता, बट माता लिखना है दोनों में मात्रा आ रही है इसलिए आपको ता में भी मात्रा लगाना पड़ेगा। नाता, तो उसी तरह हो जाएगा ना और ये ता, नाता। बीच में आ जाए तो बीच में पा ता पा पतप पा ता और का पतक रा ता रा रतर का ता और पा कतप चा ता टा चतट रा ता आ रहता है। घुमावदर जब आते हैं तो जा ता और ना जतन। अब ये जताना लिखना है तो ये ता ना, ता की मात्रा आंकड़े की मात्रा अगले अक्षर के उल्टी तरफ लगेगी, जता और ना की अपनी जगह जहां ना की लगती है जताना। और ये जीतना होता तो जा की मात्रा फिर ता के आंकड़े के अंदर लग जाती है, जी त ना जीतना इस तरह से। पू ता ना, तो पा की मात्रा अपनी जगह है, ता की ना के उल्टी तरफ और ना की अपनी जगह। आंकड़े की मात्रा अगले अक्षर पे सा की मात्रा की तरह उल्टी तरफ लगती है। पता ने, और जहां पे आंकड़ा बनाना संभव ना हो वहां पूरा अक्षर बना लेते हैं, पूरा शब्द बना लेते हैं। जैसे मत लब, अब इसमें ता का आंकड़ा लगा के ला नहीं बनाया जा सकता था तो इसको इस तरह पूरा बना लिया मतलब। वैसे तो मध्य मतलब का चिन्ह भी शब्द चिन्ह है, पढ़ा होगा आपने। नतीजा, तो ना और ता जा, तामे की मात्रा ये होगी और जा की ये होगी, नतीजा। अब इसमें ता पूरा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ना में ता का आंकड़ा लगा करके और जा बनाना संभव नहीं था इसलिए ये पूरा बनाना पड़ा है इस तरह से। तो आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा जितना भी बताया जा रहा है, जहां ना समझ में आए आप पूछ सकते हो। तो इसमें केवल तीन चार बातें ध्यान रखनी है कि ये ता का आंकड़ा
बाएं से दाएं, लगता है और अंत में लगता है। घुमावदार अक्षरों में अंदर की तरफ लगता है और डैश निकाल देते हैं। अच्छा, अब इसके आगे के शब्द चिन्ह ताकत और यही चीज लाइन पे कर देंगे तो ये वक्त किताब कहता कहती कहते और का में ना नीचे की तरफ लगा देंगे ऐसे तो कहना। लाइन के ऊपर वा बना देंगे ऐसे तो वास्तव अथवा लाइन पर वास्ते और लाइन को काट देंगे तो सर्वथा। और ये सर्किल बनाया ऐसे लगा करके और ये छोटे से ताज ऐसे के अंदर बना दिया तो ये ज्यादा चीज एकदम इकट्ठा। ये शब्द चिन्ह आपको लर्न करने हैं बाय हार्ट बहुत अच्छे से। जब आपको शब्द चिन्ह याद हो जाएंगे तो आप फिर शॉर्ट हैंड बनाने में ताकि आंकड़े की दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद में अभ्यास 26 दिया हुआ है जिसमें वो शॉर्ट हैंड में लिखा है आपकी किताब में और इसकी हिंदी जानना है आपको। एक तरफ से सभी लोग जितने सामने बैठे हुए हैं देख लें और तो वीडियो में देखें वो भी समझ लें। पीता सोता रोता खेलता हंसता मारता लड़ता बात मात खेत रेत सोता मत मात पतन रतन पतीली कतार सदन रात। चार नंबर में पहला है उपस्थित मुक्त नात पत्थर मंतर बस्ती समित त्याग कतरन पुस्तिका अक्षत आघात अंत इच्छत रहता। सात नंबर से देखिए वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है इसको वे ही हासिल करते हैं जो सर्वथा कायदे से रहते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं खाते पीते जिससे हानि हो। वक्त का विचार कर जो काम करते हैं वह क्या नहीं कर लेते वह खेलते कूदते कहते सुनते
यहां तक कि किताब पढ़ते समय भी वक्त का विचार रखते हैं। तुमने अथवा तुम्हारे साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा किया है जो इतराते हो? तुम इकट्ठे आ रहे हो, इसलिए एकदम भागो। ये थी अभ्यास 26 की हिंदी। इसमें से कोई शब्द समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। आ गया? ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, डिक्टेशन इसका दिया जाएगा और फिर आपको लिखना होगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी समझ लीजिए। जहां ना समझ में आया हो कमेंट्स करके पूछिए, और समझ में आ गया तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ये वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। Thank you.